हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का हमारा सब्सक्राइबर गोल है 1K सब्सक्राइबर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखने को मिलेंगे एक प्लेयर है जिनको उन्होंने पीछे छोड़ रखा है, विक्स यहां पे डाउन किए गए। निग्मा के लिए सी प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं। हेलो 220 ओपी की तरफ डाउन किए गए। 400 ओपी ऑलरेडी रैंपेज पे हमें देखने को मिल रही है। छठा फिनिश उनके नाम हमें आता हुआ दिखाई देगा। एमजे आगे आने की कोशिश करेंगे, पनिश किए जरूर जाएंगे, बट ऑस्टिन बॉटेक्स वहीं खत्म हुए। टॉप डॉग एंड कोई दो प्लेयर लास्ट बचेंगे अपनी टीम सेव करी जाए। रश करने को तैयार है स्काउट ओपी। एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने वहां पे किया जरूर है, डैमेज नहीं पड़ेगा, बट रैंडम एक और ग्रेनेड किया। बट मुझे नहीं लगता कि ओजी की स्क्वाड यहां रश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है शैक इस वक्त सर्कल के अंदर नहीं है। सर्कल के अंदर उनको अगर निकलना है तो या तो स्ट्रेट आना है या फिर सीधा रेवेनेंट पे स्लैम मारने की जरूरत। देखिए गाड़ियां भी मेरे ख्याल से नहीं होंगी यहाँ पे टीम एक्स पार्क के पास, तो यहाँ से जोन के अंदर जाना इतना आसान होगा नहीं। उनचेस निकाल चुके हैं, अब जोन के अंदर जाना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ड्रिगर को पीछे छोड़ा यहाँ पे और रंगुतान ने, ताकि अगर एक्स पार्क आने की कोशिश करें उनको रोका जा सके। बट एक्स पार्क कैसे जाएंगे जोन के अंदर में इजी। ड्रिगर को हमने शुरुआती दौर से ही देखा है कि वो अपनी टीम से पीछे ही रहते, बट ऐश की बात करी जाए वहां पे ग्रेनेड को किया जरूर जा रहा है। एक और ग्रेनेड आया है वहां पे। मावी की बात करें डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा, बट सामने ऐश की बात करें उनको भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता है। एक अच्छा ग्रेनेड वहां पे जाएगा, उस पर भी दो प्लेयर नॉक हो सकते हैं। एक बढ़िया परफेक्ट ग्रेनेड आपको देखने को मॉली के अंदर, वो खुद चले गए स्काउट ओपी का मॉली। ऐश डाउन किए जाएंगे, बट ग्रेनेड जस्ट टीम एक्स पार्क के तीनों प्लेयर के पीछे फटा था, बट जो प्लेयर वहां पे नॉक थे उनको रिवाइव कर दिया गया है ड्रिगर के द्वारा। विस्गॉट की बात करें मुश्किल उनके लिए, काफी ज्यादा अपने आपको वो हील करने की कोशिश करें, बट ग्रेनेड किया जाएगा ऐश की बात के प्लेयर उनके बाहर वो खत्म हो जाएगा। विस्गॉट एक ग्रेनेड उनके जस्ट पीछे फटा, बट मावी कोशिश करेंगे कि उनको डाउन किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। अल्ट्रॉन का एक ग्रेनेड, विस्गॉट और ट्रिगर लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। टीम एक्स पार्क का डोमिनेशन देखने को मिलता है। 12 फिनिशेस, दो और इंतजार करेंगे 14 फिनिशेस के साथ बढ़ेंगे इस मैच में आगे। ट्रस्ट द प्रोसेस मेजी, ट्रस्ट द प्रोसेस, दे आर रशिंग इन, बट ट्रिगर अभी भी बचे हुए। शॉट करने की कोशिश, उनको भी यहां पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्काउट इज रशिंग इन एंड ही वुड गेट द जॉब डन। टीम एक्स पार्क एक चिकन की तलाश में, 14 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। टीम रेवेनेंट को भी खत्म करा जाएगा या नहीं, अभी बचे हुए एक प्लेयर बचे हुए क्योया अभी भी सर्वाइव करते हुए, बट कितनी देर तक। टीम एक्सो वो भी चिकन की तलाश में अभी बचे हुए, दो प्लेयर्स उनके पास, क्या वो चिकन निकाल पाएंगे, क्या वो 32 अंक लेके जा सकते हैं। नेड आएगा जरूर, बट पहुंचेगा नहीं, पेड़ से टकरा के वहीं गिर जाएगा। जी बिल्कुल, वही मैं देख रहा था। टीम एक्स पार्क को आप देखे इस पे मौजूद है, अभी भी उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। मात्र केवल 30 सेकंड उनके पास बचे रहेंगे, बट इस बीच आप देखे टीम एक्सो किस तरीके से वो खेल रहे, कितना अपने आपको ऊपर पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड करने की, पनिश किए गए, काफी ज्यादा ओपन में आए, डाउन किए गए। अब पंक के पास मौका नहीं है कि वो उस प्लेयर को रिवाइव कर पाए, बट टॉप डॉग इस तरीके की गलती आप आखिरी सर्कल्स में नहीं कर सकते जब आपके पास सर्कल है, बट वहां पे पंक को भी मौका दिया गया कि वो फेयर्स को रिवाइव कर पाए। जी हाँ, बट जोन के अंदर जाना है टीम एक्स पार्क को, टीम एक्सो को भी जोन के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आसान ये चीज नहीं होने वाली। रेवेनेंट के पास एडवांटेज जरूर है, बट अपने आप को स्मोक करके क्या गलती करी उन्होंने, क्योंकि उनकी पोजीशन अब वो देख नहीं पाएंगे। ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन, बट पीछे जाके टॉप डॉग स्पॉट करने की कोशिश जरूर करते हैं कि अगर वो शॉट लेंगे तो दो नॉक, एक्चुअली दो फिनिशेस वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्काउट इज ऑन रैम्पेज, पंक को नॉक करा जाता है, बट फियर्स वहाँ पे स्ट्रेट अवे ट्रेड कर लेते हुए आपको नजर आएगी। थोड़ा नीचे टॉप डॉग का जो स्प्रे था वो थोड़ा ऊपर, बट फियर्स यहाँ पे एक और नॉक निकालते हुए। अल्ट्रॉन भी नॉक, अल्ट्रॉन भी फिनिश, 15 फिनिशेस के साथ टीम एक्सो लेके जाती है तीसरा पायदान। बट अभी टॉप लोग यहाँ पे बचे हैं, 2v2 सिचुएशन, क्या जीता जा सकता है, 2v1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ने की कोशिश, 420 का नॉक करा जाएगा, इट्स अ 1v1 मावी वर्सेस टॉप डॉग, कौन जीतेगा ये विनर विनर चिकन डिनर। कोशिश की जाएगी टॉप डॉग के द्वारा, बट मावी वो भी हार नहीं मानने वाले, सामने से स्पॉट किया गया। मावी की बात करी जाए खेल करेंगे खत्म, और इसी के साथ टीम एक्स पार्क विनर विनर चिकन डिनर के साथ। देखना पड़ेगा फिनिशेस उनके पास कितने ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे, 17 टोटल फिनिश।